भसीन साहब से बातचीत करने का समय हो चुका है और भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भसीन साहब। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी दे दूं, मैं पेटीएम पे बड़ी पॉजिटिव न्यूज खबरें आई हैं पूरे वीकेंड में। आप ये अकेले थे, 100 एक तरफ और भसीन साहब एक तरफ की भाई, जबकि वो सब नेगेटिव न्यूज आ रही थी। अब ये न्यूज आई कि साहब पेटीएम को प्रॉब्लम नहीं है, पेटीएम बैंक को प्रॉब्लम है जो एक हिस्सा है उसका, और उन्होंने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया अपना पेमेंट बैंक वाला कारोबार का, तो चांसेस तो लग रहे हैं कि आज ये रिबाउंड मारेगा क्या वजी साहब? मॉर्निंग अजय जी, रिबाउंड का तो देखिए मार्केट की डिमांड सप्लाई पे पोजीशन है, वीक हैंड्स आर गोइंग आउट और न्यूज फ्लो भी नेगेटिव रही है अजय जी। अब जो समय उनको मिल रहा है रेक्टिफिकेशन का और पेमेंट बैंक से जो शिफ्ट होएगा, आई थिंक वो पहली बात तो एक्सिस बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव होएगा। दूसरा, अब पेटीएम बैंक को कोई डर नहीं कि उनका क्यूआर या साउंड पैक्स पे कोई भी एम्बार्गो आएगा। तीसरी बात यह है कि जो न्यूज फ्लो मेरे को आ रही है कि ईडी ने कोई फेमा पे या कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे कुछ नहीं फाइंड किया, तो आई थिंक धीरे धीरे न्यूज फ्लो पॉजिटिव होगी और भाव आपके साथ है, लेकिन उसके लिए है जो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकता है। हमने कुछ अपनी पोजिशन एड नहीं की, इनफैक्ट हमने पीबी फिनटेक और जोमैटो में थोड़ा बहुत और निवेश किया है, वो हमारी तीनों शेयर हुए हैं और हम वेट करेंगे अजय जी और न्यूज फ्लो पे। अभी हमें और पैसा लगाने के लिए और बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो वी वुड रादर गो विद द विनर्स रादर देन वेट फॉर समथिंग व्हिच इज स्टिल अंडर क्लाउड बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी और रेगुलेटरी कंसर्न। थोड़ा वेट करेंगे, अभी के लिए न्यूज फ्लो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है जैसे आपने कहा। ठीक है, फेयर पॉइंट।